भाई देखिए अभी सारी सारी जो कोच है उसका यही हाल है, मतलब पूरी की पूरी ट्रेन खाली है B4, B5, B6। एक चाय कर दीजिए। ठंड और चाय, एक यही चीज है जो आपको ठंड में जीने का साहस देती है। क्या मन नहीं कर रहा बिस्किट खाने का? कुछ और खाना है? खा लो भाई। सो गाइज वेलकम बैक टू न्यू ट्रैवल ब्लॉग, माई नेम इज़ अजिताभ आनंद, यू वॉचिंग मी फ्रॉम देहरादून। और हमारी ट्रेन के अनाउंसमेंट अभी हो रही है, कोटा वाले यानी जो नंदा देवी है, पहले दिल्ली तक जाती थी बट नाउ द ट्रेन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू कोटा। तो ये देखिए इस तरीके से सामान रखा होता, एक बैकपैक मेरे पास है, साथ में ये अपना सामान है, कुछ भी कर लो, ये झोला को आप अवॉइड नहीं कर सकते कितना भी कोशिश करो। लेकिन भाई इस झोले में बेसिकली होता है हमारा खाना और स्लीपर्स ये सब। तो इस तरीके से देखिए जब आप ट्रेन का अनाउंसमेंट होगा तभी आपको ये अंदर जाने देंगे। यहाँ वेटिंग हॉल बनाया गया नंदा देवी वाली, आई थिंक शायद ये लोग चेकिंग करेंगे अबाउट मे बी कोविड टेस्टिंग जो भी हो सकता है। सो द ट्रेन इज़ एट 10:50। जस्ट अ सेकंड। यस द ट्रेन इज़ एट 10:50 एंड इट इज़ 9:15 राइट नाउ। सो एक घंटे पहले अंदर जाने दिया जा रहा है सो दैट दे कैन डू ऑल द फॉर्मेलिटीज व्हिच एवर इज रिक्वायर्ड। सी B5 60 अजिताभ आनंद, राइट, थैंक यू। सो फाइनली आफ्टर मोर देन वन लॉन्ग ईयर वी आर एट देहरादून रेलवे स्टेशन एंड अभी हमें एक घंटे पहले अंदर आने दे दिया गया है। गाइस अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, ब्ला 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 जो भी करना है करो लेकिन वीडियो पूरा देखो। तो ये वीडियो का पार्ट वन है, यानी मैं ये जर्नी दिल्ली तक कर रहा हूँ और फिर दिल्ली से हम लोग निकलेंगे, वो बात है उसी वीडियो में बताऊँगा। सो फाइनली हमारी ट्रेन लगी हुई है, ये जो आप LHB कोच में देख रहे हैं और ये है जन शताब्दी एक्सप्रेस, देहरादून से न्यू दिल्ली जाती है, बहुत अच्छी ट्रेन है। ये जो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दिस इज़ दैट इन LHB रेक नंदा देवी एक्सप्रेस। तो हमारा कोच है B5 में 60। सच बताऊँ तो मैंने डिनर भी नहीं किया है और ये जर्नी ऑलमोस्ट 5 आवर्स 45 मिनट्स की होने वाली है। तो और मेरा लोअर बर्थ दैट्स गुड, मैं कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाल पाऊँगा आप लोगों के लिए। गाइस ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको उसी बता दूँ, आज है 31 दिसंबर 2020, यानी आज हमारा जो न्यू ईयर है वो ट्रेन में बीतने वाला है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, भाई बहुत मेहनत कर रहा है यार, न्यू ईयर की मैं आप पार्टी कर रहे हो, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। स्टेशन पे भीड़ भाड़ कम करने के लिए जो बाहर में लगाया गया था दैट वॉज़ रियली गुड, ताकि जो भीड़ भाड़ है वो ना हो सके। सो एम लुकिंग फॉर माई कोच दैट इज़ B5, टिल नाउ वी हैव रीच्ड A3 नंदा देवी एक्सप्रेस। पहले देहरादून से दिल्ली के बीच में चलाया जाता था लेकिन अब देहरादून से इसे चलाया जा रहा है कोटा तक और ये हमें ड्रॉप करेगी हज़रत निज़ामुद्दीन। लगभग 5 घंटे 45 मिनट की जर्नी एक प्रीमियम ट्रेन में आप करने जा रहे हैं देहरादून से न्यू दिल्ली तक की, आई मीन हज़रत निज़ामुद्दीन तक की। और मेरा मास्क घिसक रहा है, वो निकल रही है दिल्ली देहरादून स्पेशल ट्रेन। अच्छा ये स्पेशल ट्रेन है, हमसे भाई बहुत भारी लगा जाए, कितना भी कोशिश कर लो सामान को एडजस्ट करने का बट यू नीड टू कैरी दिस वन झोला। द रीज़न इज़ भाई इसमें खाना पीना चप्पल सब इधर ही होता है, चलो नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे एकदम आखिरी में जब मैं लगेज पैक करता, हालांकि दिस इज़ B5 बट कुछ अभी तक इन्होंने खोला नहीं है, सो यू हैव टू वेट आउटसाइड, इतनी ठंड में यू हैव टू वेट आउटसाइड। बट हाँ लगेज लेके आके चलते चलते गर्मी आ गई है बहुत भाई, बहुत गर्मी आ गई है, ऑन रखो भाई, चलो पहले घूमता बैठने के लिए जिस तक। देखिए सीन कुछ ऐसा है कि वैसे भी आपको एक घंटे तक वेट करना पड़ेगा तो मैंने सोचा क्यों नहीं
आकर के आपको इसका लोकोमोटिव दिखाया जाए। दिस पार्ट इज स्पेशली फॉर द रेल फैन जो लोकोमोटिव्स में इंटरेस्ट रखते हैं लाइक मी, बट आई एम नॉट श्योर दिस इज वेब 5 और वेब 7, बट हाँ तुगलकाबाद बेस ये लोकोमोटिव है। सो गाइस चलने का समय आ चुका है, आई मीन अंदर जाने का, वैसे कोई है नहीं अभी। सो ओके आफ्टर 1 ईयर वी आर बैक हियर वेयर वी स्टार्टेड राइट। चलिए अंदर, पूरी कोच खाली है एंड B560 दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर राइट ना। और ये LCD लगा दिया, पहले नंदा देवी में LCD नहीं था, दैट इज़ फॉर इंडिकेशंस कि वॉशरूम खाली है नहीं है और कैसे ट्रैवल करना चाहिए। बिल्कुल आखिर में ये देखो उधर से नहीं आ पाए, द रीज़न वॉज वो लॉक था। तो ये है अपना 60, पहले रखते हैं सामान तो कुछ सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं। लाइट ऑन है बट इन्होंने कनेक्शन काट रखा अभी, वाह भाई वाह। चलो थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, देखो जब तक कोई नहीं तो फटाफट से मैं आपको एक टूर दे देता हूँ वॉशरूम का। ये नंदा देवी का ही है इंडियन स्टाइल, ये बड़ा सा मिरर काफ़ी बड़ा और लाइट अच्छी है, पानी आ रहा है। भाई बहुत दिनों बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग रियली गुड। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है करो, वीडियो पूरी देखो। Really, this is going to be a really fun and exciting video for me because this is just a part one video. We'll be traveling to Patna और दिल्ली कल उतरूँगा मैं करीब करीब 4:30 बजे। ये एक डिमेरिट है क्योंकि भाई इतने कोजी माहौल के बाद आप सीधे उतरेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन जहाँ इतनी ठंड होगी, वैसे यहाँ के मुकाबले तो काफ़ी कम ठंड होगी। उसके बाद हमारी नई जर्नी शुरू होगी जो कि हम सफ़र एक्सप्रेस की होगी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और उसमें एक चीज़ मैं स्पेशल करने वाला हूँ वो ये है, क्योंकि कल 1 तारीख है यानी 1 जनवरी है, तो लिटरली अभी तक हम लोग न्यू ईयर में नहीं घुसे हैं। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। चलो सो गाइस फाइनली लाइट्स हो चुका है ऑन, ये हमारा लगेज और सबसे पहले मैं टेंट काफ़ी बढ़िया है अंदर का, लाइक मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि ब्लैंकेट्स नहीं देंगे तो क्या होगा अंदर, क्योंकि बाहर देहरादून का टेम्परेचर इज़ लाइक रियली कोल्ड, बट द टेम्परेचर सीम्स टू बी रियली गुड। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई नहीं है। तब तक एक काम करते हैं हम लोग डिनर कर लेते हैं, क्या कहते हैं नाओ। ओके सो नाउ आई एम गोना टेल यू कि क्या क्या लगेज है मेरे साथ। ये इसमें मेरा पूरा सामान है, लैपटॉप है, GoPro के एसेसरीज एंड ऑल दैट। ये है देखो अपना DIT का बैग, जिन्हें नहीं पता देख लो मैं DIT यूनिवर्सिटी से हूँ एंड आई कैरी द प्राइड मैन। और ये झोला जिसे आप पूरे जर्नी नेगलेक्ट करते हैं लेकिन इसमें होता है सबसे ज़रूरी चीज़, वो है आपका खाना। तो खाना और पानी, कूल मैन, बहुत ज़रूरी है, बहुत काम की चीज़ है। तो जल्दी से देखते हैं खाने में क्या क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या है। और ये सब्जी, ये रोटियां, इसमें और भी कुछ है, अच्छा वो स्नैक्स आइटम है। तो सब्जी में क्या है, सब्जी में है कूल आलू गोभी मटर की सब्जियां, इसमें रोटी है, रोटी लेके क्या करोगे। एंड गाइस विद दिस आई कैरी अ पाउच, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें आपके ज़रूरत के सारे सामान होते हैं जैसे मैं GoPro की बैटरी, ईयरफोन्स, वैसलीन आप देख रहे हैं एंड ऑल, जो भी ज़रूरत पेस्ट होगा आपको, फेस वॉश मिलेगा, मोबाइल फ़ोन और उसका चार्जर। तो इतना कुछ मैं अपने इस पाउच में रखता हूँ, दिस इज़ जो कीमती चीज़ होता है जैसे आपका वॉलेट, सो यू कैन कीप दैट ऑल्सो, इट्स वेरी सेफ, हमेशा आपके साथ रहता है। LIC वाला साथ नहीं, मतलब जब तक आप ट्रैवल कर रहे हैं तब तक साथ रहता है। और देखो यार आज न्यू ईयर की ईव में कोई पार्टी नहीं हो रहा है, हम खा रहे हैं सब्जी रोटी, तुम खा रहे हो न्यू ईयर में पार्टीज़ कर रहे हो, बर्गर खा रहे हो, तो यार कुछ तो हमारे लिए भी कर दो, जल्दी से लाइक करो। अच्छा आज 31st है 2020, यू नो दैट, लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, हम उसी को पार्टी मान लेंगे। चलो माय सीट इज़ रेडी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर व्लॉग बिकॉज आई एम डूइंग द ट्रेन व्लॉग आफ्टर लाइक अ ईयर और सो, सो लेट्स रॉक दिस वीडियो मैन। आई जस्ट वांट टू शूट, रात काफ़ी हो रही है, इट्स ऑलमोस्ट 11, सो प्रोबेबली आई कैन नॉट टेक मोर you know cinematic shots, but yes, get ready for the next vlog that will come right after this particular video. We'll hit after hitting ye Dehradun ka ye and after hitting that Hazrat Nizamuddin, wahan se aapko hum safar ka vlog dikhata hu bahut shandar se. To chaliye andar chalte hain aur kyunki main aapko bahar kuch dikha nahi sakta kuch baatein, to isko lock kar dete hain.
तो कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी हैं आपको बताना वो ये है कि ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं, ओके आई एम यूजिंग दिस ईयरफोन क्योंकि मैं गाना सुन रहा था, आई वाज वेटिंग टू द ट्रेन टू स्टार्ट और फाइनली द ट्रेन स्टार्ट हो गई है। मैं आपको बता दूँ ये एक फुल एसी ट्रेन है जिसमें हरिद्वार गाज़ियाबाद ये इसके मेजर स्टॉप्स हैं, तो देहरादून के बाद ये ट्रेन रुकेगी हरिद्वार जंक्शन में। ये ट्रेन अभी पूरी खाली है, मैं B5 में हूँ लेकिन लोग कह रहे हैं कि हरिद्वार में कुछ लोग चढ़ेंगे। चलो अंदर चलते हैं। सो गाइस लाइक वी हैव फाइनली रीच हरिद्वार एंड ठंड बहुत ज़्यादा है। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस जंक्शन टू कम। अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए क्योंकि अब इसके बाद मैं सीधे आपसे हज़रत निज़ामुद्दीन में मिलूँगा। Finally at Hazrat Nizamuddin. काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। It's time to say goodbye to Nanda Devi Express, but the thing is, we not say goodbye to train vlog because right after this another vlog will be coming, जो कि होगी हम सफ़र एक्सप्रेस की दिल्ली से पटना की। अभी हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन पे हैं तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ से नई दिल्ली, और विजिबिलिटी इतनी कम थी जिसकी वजह से मैं आपको कुछ ट्रेन के सिनेमेटिक शॉट्स नहीं दिखा पाया, बट हाँ बस एक पैरेलल रेसिंग थी वो तब तक आप देखिए। राइट, तो बस अभी हम निकलेंगे यहाँ से, अभी थोड़ी देर फ्रेश हो लेते हैं यहाँ पे निज़ामुद्दीन में, उसके बाद हम लोग यहाँ सीधे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन निकलेंगे। 11 बजे से हमारी दूसरी ट्रेन है, उसका ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। तब तक बस खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाकी ट्रैवल कराने के लिए तो मैं हूँ ही अजिताभ आनंद, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, और हाँ सबको हैप्पी न्यू ईयर।